ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम संसाधन एवं विकास है। संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम लोग संसाधन के बारे में जानते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो वे वस्तुएं जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य स्वयं एक संसाधन होता है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य मानव का अंतर संबंध प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, मतलब नष्ट होने वाले और नष्ट ना होने वाले। अगर हम बात करें नवीकरण योग्य संसाधन में तो वो भी दो प्रकार के संसाधनों में वर्गीकृत हैं। एक है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हुआ, जल हुआ, और दूसरा है जैव। अब जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और फिर वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पतियों में वन आ जाते हैं, वन्य जीव में वन में रहने वाले सभी जीव। अनवीकरण योग्य संसाधन में देखिए ये दो प्रकार का होता है, पुनःचक्री और आचक्री। पुनःचक्री मतलब वे संसाधन जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे धातु हुआ, लोहा हुआ, लोहा को पिघला करके पुनः हम उससे दूसरी वस्तु बना सकते हैं, लोहे की दूसरी वस्तु बना सकते हैं। और आचक्री जैसे जीवाश्म ईंधन, अगर जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया तो उसी जीवाश्म ईंधन को हम पुनः जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। मानवीय संसाधन में संरचनाएं एवं संस्थाएं मात्राएं एवं गुणवत्ता में विभाजित किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के रूप में किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात हुए, प्राणी जात हुए, मत्स्य जीवन हुए, पशुधन हुए इत्यादि, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगर अजैव संसाधन की बात हुई तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजीव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टाने, धातुएं इत्यादि, ये सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन में किया गया है। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, इन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा हुआ, जल हुआ, वन हुआ, ये सभी नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि हम इनको पुनः जो है उत्पन्न कर सकते हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन जिनको हम पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन है, अगर जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया तो इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, इनको हम पुनः जो है उत्पन्न नहीं कर सकते। आगे है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में किया गया है। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड हुआ, घर हुआ, जायदाद हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ आदि, जैसे हमारा घर हमारे व्यक्तिगत संसाधन है। और सामुदायिक संसाधन के बारे में अगर पढ़ें तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव में चारण भूमि होती है जहां पे गांव के सभी लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, श्मशान भूमि हुई, वहां पे वहाँ के समुदाय के सभी लोग वहाँ पे शवों को जलाने के लिए ले जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क हुआ, वहाँ पे उस नगर के
व्यक्ति जा सक सभी व्यक्ति जा सकते हैं। पिकनिक हुआ, खेल के मैदान हुए इत्यादि, ये सभी सामुदायिक संसाधन होते हैं। अगर राष्ट्रीय संसाधन की बात की जाए तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय ही हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे इस समय रोडों के विकास के लिए सरकार जो है ज़मीनों को रोड के किनारे बने सबके घरों को अधिग्रहित कर रही है। वे घर सबके व्यक्तिगत थे, परंतु सरकार को वो कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। अब देश में पाए जाने वाले सारे खनिज पदार्थ हुए, जल संसाधन हुए, वन वन्य जीवन हुए, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सभी भूमि हुई इत्यादि, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं।